भाई मेरे को आप बिलीव नहीं करोगे मेरे साथ क्या हुआ है। सो आज ही मैं प्लान कर रही थी कि आज मैं जाऊंगी नेल सलोन और जाके अपने जो नेल की लेंथ है वो छोटी करा लूंगी, बट हुआ क्या, वो समा प्लान कैंसिल हो गया। मतलब मैं बहुत देर सोच रही कि मेरी नेल की जो लेंथ है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसको थोड़ा शेप में करके छोटा करा लेती हूँ, बट वो नहीं हो पाया, समाव प्लान नहीं बन पाया। और आज देखो मेरे साथ क्या हुआ है, मेरा ये वाला नखून है ना ये भी टूट गया। अभी मेरे को ये क्या होता है, मम्मी नेल कटर से करना पड़ेगा, आधा टूट चुका है ये, एकदम से ही टूटा है, मुझे ब्लड आ गया। और एक ये बस ये दो बच्चे हैं, इन दो बच्चे नखून का मैं क्या करूँगी, और मैं इतने टाइम से लाइक नजर लग गई मेरे नाखून, नजर लगी बेटा कोई बात नहीं दोबारा बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता मम्मी दोबारा बढ़ने वाली बात नहीं है, मेरे को पता है कितना पेन हो रहा है मेरे को इस टाइम पे, मेरा परसों तक टूटा है भाई, इतना दर्द हो रहा है ना इस टाइम पे मेरे को, और ऊपर से बीच में भी दर्द होगी तो भी कटेगा क्योंकि ये अंदाजा कट चुका है। आप सब लोग, और आज का दिन बहुत, आज की रात बहुत ज्यादा होने वाली है एडवेंचरस फॉर मी, बिकॉज आज मैं अपनी गाड़ी निकाल रही हूँ और उसको बहुत दूर लेके जा रही हूँ जहाँ सब लेके जाते हैं। एक प्रथा है जो फॉलो होती है, तो ये प्रथा जो फॉलो होती है, जैसे कोई भी स्टार की गाड़ी आई तो सबसे पहले वो वहाँ लेके गए, इसकी मूर्तल अभी तक गई है वैसे, नहीं गई एक बार भी नहीं गई, और आज मैं खुद ड्राइव करके लेके जाऊंगी। और वो इसलिए क्योंकि बिकॉज मेरे को ना थोड़ा ट्रक से बहुत डर लगता है, रोड का बहुत फियर, तो वो थोड़ा डर भी खुलेगा कब तक ऐसी खाली रोड पर चलाती रहूंगी, तो बच्चा बच्चा मैं अपनी भी लेके जा रहा हूँ, तो मतलब ये बेसिकली आज मेरे साथ नहीं है, बिकॉज इसको होना चाहिए था बट ये नहीं है। चलो बैठो फटाफट, इसे को देर में भेज देता हूं, हैं नहीं वो डर जाएगी, हाँ दोनों को भेज दे मेरे में, तू अकेला कैसे, बोर नहीं हो जाएगा। तो अब हमने अपनी गाड़ी में प्रस्थान कर लिया है, बट सबसे पहला रूल, गाड़ी में बैठने के बाद सबसे पहले हमें लगानी चाहिए लिप बाम, गाड़ी लग गई थी उसके बाद ही गाड़ी चलानी चाहिए, ठीक है। तो मैंने लिप बाम लगा लिया और जय, मैंने सारे भगवान को भी याद कर लिया, सारे भगवान को याद कर लिया ताकि मैं सेफ रहूं और सबको सेफली पहुंचा दूं, वरना सब मेरे को बाद में बहुत गालियां देंगे ओए भाई, क्योंकि मेरी अभी मैं कंफर्ट, इतनी कंफर्ट होकर गाड़ी नहीं चला सकती कि अभी मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, बट स्टिल ऑल द बेस्ट। फाइनली भाई मैं अपने घर से वो जो मूर्थल के लिए मुड़ते हैं हम लेफ्ट में, उस हाईवे तक ले आई हूँ, मेरे को बहुत खुशी हो रही है, बट मैं कैमरे में देखूंगी कि मेरा ध्यान भटक जाएगा, अभी इतनी मैं प्रो ड्राइवर नहीं हूँ कि सारे काम एक साथ कर लूं। अरे तुम दो दिन बाद प्रो होने वाली, ठीक है, तो मेरा डर खुलना चाहिए आज, बस मैं इसलिए आई हूँ और खुल जाएगा मेरे को ऐसा लगता है, बाकी तो अभी मैं कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं गाड़ी बड़ी चलाऊंगी, बस मैं बोलती थी हवा में बातें, बट हवा में बातें भी सच हो जाती है मेरे को लगता है, बाकी तो कॉन्सेंट्रेट करते हैं गाड़ी में, काफ़ी ज़्यादा ही तेज़ गाड़ी चलाने वाले हैं मेरे आस पास, बट हम भी चला लेंगे। बाय, सी या। भाई ये री परी और गाड़ी चला रही है ये फुल हाईवे में, हाईवे में भाई कैसा लग रहा है भाई, डर मूर्थल वाला, मैं तो अपनी गाड़ी में ऊपर, डर क्यों लगेगा मुझे, मूर्थल वाले हाईवे में चला रही है भाई, सोचो, और मैं और स्टार इस गाड़ी में, उस गाड़ी में सिर्फ ईशा है और ये तेज है, वो गाड़ी चलानी सिखाते हैं हमारे नोन के भैया, नोन के भैया इसको भी उन्होंने सिखाया है, मेरे को भी उन्होंने सिखाई है, और वो देखो खूब भगा रही है गाड़ी, साथ ही अब मेरी गाड़ी में भी अलॉय लग चुके हैं बहुत ज्यादा मोटे, तो हम लोग आए थे मेरी गाड़ी की भी माइलेज टेस्ट करने के लिए, और देखो माइलेज अभी तक तो ठीक दे रही है, 16 की दे रही है, एक मिनट चेक ही करा दूं, लो भाई लो ठीक है, स्टार माइलेज तो फिर अगर इतनी दे रही है तो अभी देखते हैं पूरा, वहाँ से रिटर्न तक आएंगे तब कैलकुलेट करियो, तब कैलकुलेट करेंगे, उससे पता चलेगा कि क्या माइलेज दे रही है, एक ही अलॉय लगने के बाद, अलाइनमेंट वगैरह होने के बाद, पंजे दबा के 17 इंच विद, हाँ 17 इंच विद 18J या 18 बोलो 8J दिखा दे मेरी की गाड़ी, ये लो भाई खूब भगा रही है, देखो साथ में चल रही है फुल, साथ में नहीं आ गई निकली हुई है तब से, आगे चल रही है वैसे तो, पीछे रह गया अभी तो। चलो भाई चले मूर्थल जा रहे हैं हम, उसकी गाड़ी लेके पराठे खाएंगे, चाय पियेंगे आए जाएंगे, और उसकी गाड़ी फर्स्ट टाइम जाएगी गाइस, वो भी खुद लेके जा रही है, वो भी खुद लेके जा रही है, जैसे मैं भी खुद लेके गया था अपनी गाड़ी फर्स्ट टाइम मूर्थल तक, बट मेरी गाड़ी तू लेके गया था याद कर, स्टार की गाड़ी मैं, अरे तेरे को तो आती है ना चलानी पहले, बट लेकिन भाई फिर भी अपने अपने गाड़ी सारे लेके जाते हैं। चलो भाई देखते हैं आगे का सीन दिखाते हैं आपको। नीचे आ गए, थोड़ा सा मैप में हो गया दिक्कत, वो कह रहे हैं कि दोबारा फ्लाइट, अच्छा ठीक है तो अभी इन लोगों ने कॉल
कॉल करके बोला, स्टार और विशाल एक गाड़ी में उन्होंने कॉल करके बोला कि दोबारा फ्लाईओवर चढ़ लो। और मेरी प्रिय सहेली जिसने मेरे पे इतना भरोसा करा, उसको पता है कि मेरे को चलानी नहीं आती गाड़ी, ईशा वो बैठी है मेरे साथ, मेरे को ये चीज जिंदगी भर याद रहे। अरे आए नीचे रहा कुछ भी, इनको पता पता है नहीं हम सही आए हैं भाई, उन लोगों को नहीं पता। फाइनली मुझे पता था ये लड़की यहाँ तक ले आएगी, मुझे पूरा विश्वास था। बंदी उत्तम नगर से मोटर से कार पार्क भी कर दी इसने गाड़ी, आ गया ये घुसाओ घुसाओ। थोड़ी न्यू हूँ तो आपको मेरे हेल्प करना पड़ेगा, ठीक है? अरे भैया ये हैंडल सीधा है मेरा। अब बैक करूं? ओके भैया बिल्कुल ही मानोगे बैक करवा के, क्या गलती कर दी भैया? मेरी नई गाड़ी में कुछ चिपकानी नहीं है किसी, चिपकानी नहीं सी बात के मैंने खड़ी। हाँ अब बैक तो करो थोड़ी सी। ये लो भैया बुलेरो वालों को बोलो पीछे हटे, मैं आई हूँ। आगे 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 निकलो ना, अंदर निकलो, जाने दो बैक। अब मैं बैक जाने दूं? अब अच्छा ओके। अब भैया कह रहे उधर डालो। अब भैया अच्छा न्यूट्रल भी कर दिया। चल भाई मूर्थल तक लेके आ गई भाई लड़की, मूर्थल तक लेके आ गई, फंस गई। इसे डर लग रहा है, ये देखो अब डर लग रहा होगा, गाड़ी ऊपर नीचे हो गई ना इसलिए। निकल तो जाए, चढ़ा तो देगी, तू भी इसके पीछे लगा दे, तू इधर ले जगह बहुत है इधर ले, उसके साथ ही चल ले, चल उसके साथ ही चल ले। देखो भाई चढ़ा तो लिया इसने, अब गलत तरफ चली गई, पार्किंग हमारे इधर है नहीं, हम इधर लगाते नहीं है पार्किंग। बट इतना देना पड़ेगा दांत भाई, पहली बार लेके आ गई है खींच के लगाने, पार्किंग लगाने, देखते हैं पार्किंग लगा पाएगी नहीं लगा पाएगी। अच्छा वो भी ले रही है, ईशा भी टेक ले रही है, अंदर बैठी बैठी अगले लगा रही है। बैग लेगी नहीं लेगी? नहीं लेगी, गार्ड लगवा रहा है ना वहाँ पे इसलिए। बैग करके लगा दे तू। मैं तो बैग करके। तो भाई हम लोग आ चुके हैं मूर्थल उर्फ अमरिक सुखदेव, अमरिक सुखदेव, और अभी हम लोग जाएंगे कुछ खाने पीने के लिए बढ़िया सा। इसने गाड़ी लगा दी फाइनली, बैग भी कर रही है, ले बैग भी कर रही है भाई, सही सिस्टम है फिर तो। ले 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 भाई लगा रही है बंदी गाड़ी यार। कैसा था? बढ़िया, मुझे तो विश्वास था भाई। थैंक यू सो मच भाई, मेरे को ऐसे ही लोग चाहिए मेरे जीवन में जो मेरे पे भरोसा करे कि मैं कुछ कर सकती हूँ। ये तो भाई आज मेरी तरफ से है ये मेरी गाड़ी की पार्टी, बिकॉज स्टार बॉय ने भी सेम जो आके इसे अपनी गाड़ी की पार्टी, ठीक है? तो मैं भी नहीं, कम बंदे ही काफी हैं सही बताओ, मेरी जिंदगी में ज्यादा नहीं, मैं दो आ रहे हैं मेरे साहू और आस्था। इन लोगों ने मेरी गाड़ी तो यही कह रहा था बार बार कि परी बहुत अच्छी ड्राइव कर रही है भाई, सही निकाल रही है। बाद में पिछली गाड़ी में अच्छी एवरेज निकाली है, कार का शौक है, अभी वो कल दिखाएगा मैं भी हाईवे पे हूं। अरे हाईवे पे इतनी बहुत बड़ी बात है, सिटी में दिख रही है, सिटी का मतलब है, अभी सिटी भी ढंग से चलाई नहीं है ना हमने अलाइनमेंट के बाद, वापस तुम चला के लाओगे ना? बताओ यार, मैं मूर्थल ले आई, मेरे को समझ नहीं आ रहा, कैन यू प्लीज पिंच मी? पिंच होता है ये चूटी काटना, उसके देखो पिंच ही कर रही थी फिर ऐसे मारती हो हमने। तो भाई आई एम हैप्पी, और मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी साहू रास्तों को भी लेके, और अगर बल्ली फ्री रहा तो जरूरी, बल्ली आज तक बिजी है, वरना मैं चाहती हूँ बल्ली को भी लेके आऊँ। मेरे अभी कुछ मेरे प्रेमी कह रहे प्रिय दोस्त नहीं है, बाकी कोई नहीं। मतलब क्या क्या फील कर रहा है तू? मतलब पीछे से देख के तो सही लग रहा था कि अच्छी चला रही है। मतलब व्हाट इज पीछे से देख के क्या अच्छी चला रही है? मतलब कैसा?
ऐसे का सांप थोड़ी बना दी, अच्छी चलाई है मुर्दल तक ले और क्या चाहिए। मतलब जो एवरेज लोग होते हैं नॉर्मल जो चलाते हैं वैसे। पहले प्रो बोला था, पहले प्रो बोला था। जैसे एकदम से कोई नई लड़की होती है ना, वो इतनी दूर नहीं लगती। तो ये अच्छी बात बोल रही, चल ऐसे कर। मैं चोट भी लग रखी है भैया हाथों में, मेरे नखून टूट गए सारे आज। देखो ना सोचो कितनी काली जबान थी आज मेरी। कुछ और बोल, सारे काट दिए, सारे तीन टूट गए थे ना एक साथ, फिर दोनों और दो और भी काट दिए मैंने। नहीं नहीं अब नहीं। तो भैया हम तो चले इस गाड़ी में, और ये इसको आना चाहिए था इस गाड़ी में, बट ये आ नहीं रहा है। और ये चला अपनी गाड़ी में। जो गाड़ी है तुम पे बहुत तगड़ी गाड़ी है, तुम मुझे बार बार दिखाओगे। चलो। और अभी गाड़ी ड्राइव कर रहा है स्टार बॉय। स्टार बॉय, स्टार बॉय। ध्यान से करना, काली गाड़ी है वो, मेरे पास चाबी नहीं है। ऑल द बेस्ट गाइस, और प्लीज मेरी वीडियो बना देना। तारे कैसे घुमा के। फाइनली आई एम गोइंग बैक टू माय होम। मैं बहुत खुश हूँ, बस मेरे को अभी रिवर्स करने में काफी दिक्कत हुई, काफी ज्यादा, क्योंकि मेरे को आता नहीं है ढंग से। हमने कर लिया मैनेज समाओ। चलो भाई अभी मैं कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हूँ। The next day. Hey everyone, welcome back to our new vlog. कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का हमारा प्लान कुछ और था, बट लोगों की टाइमिंग्स की वजह से थोड़ा वो लेट हो गया रेडी वगैरह होने में, लेट से विशाल हुआ, फिर स्टार में कुछ अचानक से काम आ गया था, तो इन सब चीजों की वजह से पूरा प्लान ही उल्टा हो गया। हमारा प्लान था कि हम जाएंगे 5 बजे बंजारा मार्केट, जो हमारे घर के बिल्कुल ही है, उसके बाद हम लोग जाएंगे सीपी, बट अब ऑलरेडी 7 बज चुके हैं। तो मेरे को लगता नहीं कि बंजारा मार्केट खुली होगी। रुको अंधेरा आ गया, अभी बताती हूँ पूरी बात। मैं आप लोगों को क्या बता रही थी कि हाँ, तो अभी ये लोग काफ़ी लेट हो गए हैं, तो अभी लोग अभी आ रहे हैं और मैं इनका वेट कर रही हूँ। मेरे को पहले ही बुला लेते हैं और खुद भी नहीं आते। अरे बाप रे, 10 बार लड़के आ रहे हैं, इनके सामने कैमरा ऑन रखो ना तो अजीब सी हरकतें कर। इनका वेट ही कर रही हूँ मैं, और आज मेरा मूड बहुत ही अजीब सा हो रहा है। लाइक कुछ रीज़न नहीं है मेरे पास सैड होने का, बट मैं सैड हूँ, बिना किसी रीज़न के मैं सैड हूँ। और मैं अक्सर ऐसा मेरे साथ बहुत हो रहा है, इनको समझ में मैं करूँ क्या। मैं अपने आप को पता है कभी खाली नहीं लगती अब, मतलब लाइक एकदम होता है ना जो बंदा एकदम चुपचाप बैठा हुआ है सोच रहा है, मैं अवॉइड करती हूँ वो सब चीज़ें, बिकॉज मैं या तो फिर फ़ोन चलाती रहूँगी पूरा दिन अगर घर पर हूँ, या फिर टीवी देख लूँगी, या तो शाम में घर से बाहर ही चली जाऊँगी कुछ खाने पीने के, ताकि मेरा ध्यान जाए ना। अगर मैं खाली बैठूँगी तो मैं ओवर थिंक करूँगी, और ये मेरे साथ अभी से नहीं हो रहा है, मेरा 2024 से ही साल पूरा ऐसे ही गया है, ओवर थिंक करते 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 करते। मैं बहुत सैड हूँ यार, बट मेरे को रीज़न नहीं मिल रहा कि मैं सैड क्यों हूँ। ऊपर से कल मेरे नखून भी टूट गए। कि एक बेशरम आती है, ये जानवर को लात मारता है, और देखो फ्लैग लगा रहा है जय श्री राम का, देख ले अब हमारे पैर लगा, देख क्या है, भाग मेरा पैर लगा उसे, फिर आराम से गलती से, फिर आराम से लेके जा। बेशरम लोग, बेजुबान को मारते हैं और इतने अच्छे घर के लगते हैं, बदतमीज आदमी। ये मेरे डॉलर का फ्रेंड है, पता है जिसको मारा है इसने, बाबू ये तो नहीं ना इसको। पिछले आधे घंटे से हम इस द्वारका के जाम में फंसे हुए हैं, हेल्प कर रहा है ये स्टार को। भाई बहुत ही बुरा जाम है भैया, फेस्टिवल आना की बात है, बट इस तरह का जाम लग जाता है फेस्टिवल के टाइम, उस साइड भी जाम इधर भी जाम। अरे थोड़ी आगे लेना, अब तो मैं उतर सकता हूँ ना, थोड़ी से आगे ले ले भाई। क्या कह रहे हैं भैया, ये जाम है क्यों इतना? उई वाह लग जाती है, लगी है गाड़ी में यार हमारी। अरे कैसे लग गई, लग कैसे सकती है, आवाज भी नहीं लगने की। तो भैया बहुत जगह खा ली है, ठीक है आराम से आगे। वहाँ पर ये विशाल जी शायद कर रहे हैं, क्यों बैठ रहे हैं भाई, तुम मत उतरो। अरे रुको यार, लगता है स्टार को ट्रस्ट हो गया मेरे पे, आयुषी गाड़ी आगे निकालेगी, मैं उधर भी जाऊंगा। तो बहुत देर से बैठे हुए, अब सब फ्रस्ट्रेट हो गए। अरे भाई भी तो ले सकता है आगे, इतनी जगह है। भैया आप आगे क्यों नहीं ले रहे हो, मन नहीं है क्या आपका आगे जाने का? हम लोगों को ना ये पटाखे कौन फोड़ रहा है वो बाइक वाले, मतलब ऐसे हरकतें करने पे क्या मिलेगा,
सुकून मिल रहा है उन्हें। हेलो मम्मी, हम लोगों को यहीं आना था 20-25 मिनट की दूर की जगह को हमको यहाँ पहुँचने में लगा 1 घंटा और हमको लगा था बंद हो जाएगी, बट लकीली बंद नहीं है भाई। हमारा आना थोड़ा सफल हुआ क्योंकि इन लोगों को अपने घर के लिए डेकोर आइटम्स लेने, मेरे को नहीं लेना है बिल्कुल भी। मैं आऊँगी जब मेरे पास थोड़े हैवी कैश हो, मतलब हैवी पैसे होंगे, जब एक साथ मैं तब एक साथ लेके जाऊँगी घर के लिए सामान। क्योंकि अभी मैंने मेरे पास था इस साल की अपने घर पर वाइट वॉश वगैरह करवाऊँ, बट वो नहीं करवाया हमने इस बार। तो जब भी हम कराएंगे मैं तब थोड़ा घर का पूरा लुक चेंज कर दूँगी, बट अभी फिलहाल तो लेट्स गो। क्या पागल है यार, गाड़ी में छोड़ा है फोन, कहा है मेरा फोन, अबे तुझे तो दिया था मैंने, अंदर रख दिया मैंने, मेरे फोन से गाने चल रहे थे। ये है कुछ बंजारा मार्केट, बाकी लेट्स एक्सप्लोर दिल्ली की बंजारा मार्केट। सबने गुड़गांव की सुनी होगी, बड़ी दिल्ली की है। जूस पिला दीजिए, मूड ऑफ है मेरा, मूड मेरा ऑफ है तो मेरे को पिला दो जूस। जूस पिला दीजिए, कॉफी पिला दीजिए, स्टारबक्स नहीं जी, पर आप जूस पिला दीजिए। जूस आप पी लेना, तू पिलाएगी ना, जब तेरे पास आया हूँ मैं, मेरा मूड ऑफ है, जूस पिला दीजिए। स्टार बॉय जूस पिला दीजिए, मूड ऑफ है मेरा, हो रहा जूस वाला, मौसमी का ही है भाई। मैं आज तक गुड़गांव वाली बंजारा मार्केट नहीं गई हूँ, बट ऐसा मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया। लाइक इतना सारा सामान है, एस्थेटिक भी कह लो, मतलब इतना प्रिटी प्रिटी सामान, ऊपर से देखो मिरर्स कितने प्रिटी हैं। और दीदी हमको पहचानेंगी, भैया नहीं पहचाने पर दीदी पहचान गई। जूस पी लीजिए, मौसमी का मूड ऑफ है मेरा। मूड ऑफ तो भाई आज है आयुषी का। भैया आपको पता है आप कितने बंदों का मूड ठीक कर रहे हो, बंदों का मूड ऑफ होता है और मौसमी का जूस चाहिए होता है उन्हें। आपने देखी है वो वीडियो, नहीं देखी, देखी है, उसके बाद ही मौसमी का जूस लगा रहे हो। तो भैया फाइनली किसी ने तो कुछ सामान लिया, तो अभी ये ले रहा है सामान। इसने लिए एक लाइट जो मेरे को तो बिल्कुल समझ ही नहीं आई, लाइक अच्छी नहीं लग रही। बाकी उसकी चॉइस है, मैं तो कुछ बोल नहीं सकती किसी को कि भाई तुम ये लो वो लो। और कील को तो तुम कच्चा चबा जाओगी, खा जाओ उस कील को, निकल जाओ। जेब में लेके जा रहा है, टोटका कर देंगे कील पे। जेब में लेके जा रहे हो उसको, कील पे टोटका कर दूंगा, नींबू काट देगा इस कील पे। चल लो यार, मेरे को भूख लग रही है, पैक हो रहा है वो, चल रहे ना। तो एक क्यूटी आई है फोटो के लिए, नहीं ले तुम्हें घड़ी, भैया मेरे को लग रहा है मेरे को यहाँ से जाना चाहिए, बहुत सारे जीरा मच्छर है, हाँ नाक पे भी घुस रहे हैं बहुत ज्यादा, ये जीरा मच्छर दिवाली में ही सारे चले जाएंगे। इसे जीरा मच्छर ही बोलते हैं जो दिवाली टाइम आते हैं, जीरा मच्छर ही होते हैं, जीरा मच्छर ही कहा जाता है मच्छरों को, बाकी तो मैं तो जीरा मच्छर ही बोलती हूँ। तो गाइस मेरे को एक ऐसे गेम, मतलब बहुत शौक है लोगों को थोड़ा वो पहेली देने का। आज मेरे घर में कुछ खाना बना है तो मैं उनको वो पहेली बता रही हूँ। मतलब वो खाना ऐसा बना, लाइक उसका ना एक भाई भी है पर वो उससे गोरा है और वो काला है, गोरा है काला है का खाने का। अच्छा। मतलब मेरे घर में वो खाना बन रहा है, मतलब मैं खाने का तुम्हें हिंट दे रही हूँ, एक सेकंड ठीक है। उसका एक भाई है वो गोरा है, और जो आज मेरे घर में तुम्हारे घर पे जो बना वो काला गोरा है, वो काला है उसका भाई गोरा है, तो क्या होगा वो बैंगन, बैंगन का कौन सा भाई होता है गोरा होता है, क्या बना है नहीं समझे, काले छोले, काले छोले का भाई है ना सफेद छोले। अरे यार पागल इंसान, अरे तुम नहीं समझे, अभी विशाल से भी पूछूंगी ना वो बता देगा। या ये जा रहा है इतना बड़ा सामान, अब विशाल बैठेगा पीछे, विशाल बैठ रहा है पीछे, वो डब्बा आ गया लाइट वाला, लाइट वाला डब्बा आ गया, आ जाएगा पहले सामान रखते हैं यार, उसके बाद जाएंगे खाने।
बातें सुनो यार इसके, अब कह रहे हैं पहले सामान रखेंगे फिर खाने जाएंगे। इतने भूख लग रही है, पता है भूख लग रही है हद से ज्यादा यार। तो विशाल तू कल आके अपनी गाड़ी से ले लिया, अभी भूख लग रही है। ओ मैं तो काली जुबान है, मैं तो गलती से। अरे कल ले जाइयो भैया, कहीं जा कल ले जाइयो। विशाल भैया को वादे मत कर, अभी वादे मत कर, तू नहीं आ पाएगा। डन। और परी आ गए वड़ा पाव खाने विद स्टार बॉय भैया। बट मुंबई में तो 15 रुपए का मिलता है। यहाँ कितने का है? यहाँ कितने का? तो मुंबई के मुंबई में छोटे मोटे महंगे मिलते होंगे, दिल्ली में सस्ते हैं। मुंबई मुंबई में महंगे मिलते हैं भाई, मुंबई में वड़ा पाव सस्ता मिलता है। छोले भटूरे महंगे मिलते हैं। हाँ क्योंकि मुंबई में इतना नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालो। अरे वो अपनी हिसाब से बना के दे रहे हैं ना, उनका टेस्ट है भाई अलग। अरे मुंबई का बहुत टेस्टी होता है वड़ा पाव। 10 रुपए में, मैं 10 रुपए खाया था। इनके वाला टेस्ट कैसे है? 10 का खाया था जुहू बीच पे। गोवा में भी खाया था 15 रुपए। जुहू चौपाटी पे। या गोवा में? गोवा में खाया था वड़ा पाव हमने, जब दूसरा स्टेज चेंज किया था सवाया के बाद। वो सामने दीदी बेच रही थी, अब बोले की वो। हाँ भाई अब मैं गया हूँ बहुत ज्यादा थक, और मेरे से नहीं जा रहा, चला साफ सीधी बात है। ये लड़कियाँ पिज्जा वीजा लेके आ गई जिसमें चीज कम है और मेयोनीज ज्यादा है, फिर भी चीज कम है। ये ले शादी के लिए माला खरीद के ले आया। भाभी को कुछ समझ सी नहीं आ रही। अभी घर से जाने का सामान ले रहे हैं, थोड़ा बहुत इनकी शादी के लिए, घर भी सजना चाहिए ना। दिवाली है गाइस, दिवाली के लिए सामान। अरे दिवाली तो इनका बहाना है। अभी जब हम बंजारा मार्केट गए थे, पर स्टार ने वहाँ सिर्फ एक घड़ी ली है, टाइम देख के शादी करेगा। हाँ मैंने दो सामान लिया है ना, अब सोच रहे तुम्हारे घर क्या क्या आने वाला है। तुमने तो देख ही लिया, और पसंद भी तुमने ही करा था वो। ले भाई ध्यान से देखें इस जानवर को, दिन भर खाता रहता है ये। तुम बोलो भाई, हम नहीं बोल सकते। ये भगवान की मूर्तियाँ हटी, एक बार स्टार दिखाइए कैसी है। हाँ ले रही है, तो एक ही बारी में ले चलो इससे अच्छा तो। हाँ बाद में जितने दिवाली पास आएगी उतना महंगा होता जाएगा सामान। तो भाई मैं आया था, अब इस टाइम हो रहा है 11:30, उस टाइम स्टार की गाड़ी में वो हॉर्स वाली जो पेंटिंग थी वो जा नहीं पाई थी, तो अब मैं आया हूँ। भाई आ गए हमारे साथ, भाई कह रहे थे मेरे को भी ब्लॉग में ले लो यार। मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं, एक आधी क्लिप ले लेते हैं। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं पेंटिंग लेके, फिर पहुंचते हैं घर। मेरी मम्मी को देखनी थी इसलिए मैं अभी आया हूँ रात में लेने के लिए। अच्छा, नहीं तो मैं कल आता आराम से। मम्मी कह रही नहीं लेके आ अभी, तो मम्मी को देखनी थी भाई इसलिए लेने आ गए। चलो बाकी लेके चलते हैं फटाफट, और आप लोगों से मिलता हूँ। मम्मी का रिएक्शन दिखाऊंगा आपको कि उनको पेंटिंग कैसी लगी। ठीक है भाई। हाँ भाई ठीक है।